तो हमारा आज का टॉपिक है कैसे सोशल मीडिया आपको बर्बाद कर रहा है। आप इस सोशल मीडिया के माया जाल से कैसे बाहर निकल पाओगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप सोशल मीडिया के इस माया जाल में फंस जाओगे। सोशल मीडिया में आपको बर्बाद कौन करता है? एक ऐप आपको जो बर्बादी के एंड तक लेके जाता है। वो ऐप इंस्टाग्राम भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, या फिर स्नैपचैट भी हो सकता है। ये ऐप आपको वही दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हो। तब तक दिखाएंगे जब तक आपका मन ना भर जाए। मन भर गया कि थोड़ी और वैरायटी के साथ आपको दिखाएंगे। और जब आपको लगता है कि यार अब सोशल मीडिया से मन भर चुका है, अब मैं सोशल मीडिया में नहीं रहूँगा, तो सोशल मीडिया आपको एक तरीके से बताता है कि भाई इसको तो टॉर्चर समझ रहा, वो हमारा वार्म अप है, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो कुछ ऐप्स तो ऐसे होते हैं जो आपका पूरा डेटा ले लेती है, आपकी लोकेशन, आपकी गैलरी और आपके फोन की सारी सेटिंग। और फर्जी ऐप के बारे में तो क्या ही बताऊँ, वहाँ तो बड़े बड़े कांड होते रहते हैं। हर महीने सुनने को मिलता है कि उसका बैंक अकाउंट लूट लिया। ये सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के दौर में। तो आप ये मत समझो कि आप बच जाओगे। बड़े बड़े यूट्यूबरों का यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है, आप तो फिर बहुत छोटी चीज हो। कुल मिला के बात ये है, सोशल मीडिया और इन ऐप को उतना ही परमिशन दो जितना आप चाहते हो। अच्छे ज़्यादा परमिशन मत दो। घर के अंदर, बाथरूम के अंदर घुसने दोगे तो भैया हाल खराब ही होंगे। तो आज का पहला ज्ञान यही है, सोशल मीडिया ऐप पे लिमिट लगाओ, ना कि सोशल मीडिया आप पे लिमिट लगा दे। उससे पहले आप उस पे लिमिट लगा दो। अगर कोई ऐसी चीज़ें दिख रही है उसको फॉलो, अनफॉलो या ब्लॉक कर दो। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको कोई भी गलत चीज़ दिख रही है उसको रिपोर्ट करो, ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो, उन चीज़ों को मत देखो। पर मैं जो हूँ सख्त लौंडा, मुझे बनाते रहना है वीडियो, मुझे थकना नहीं है, हारना नहीं, बना दो यार, देख ही लेंगे जो होगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, इन्हीं क्या है, लाइफ जी रहा हूँ। अब मुझे वो आदत नहीं कि भाई वही रोने वाला शक्ल बना लूँ, थोड़ा सा गरीबी दिखा लूँ, पीछे का बैकग्राउंड हटा के पपड़ी वाली दीवार लगा लूँ, मेरे को वो आदत नहीं है भाई। मैं जो हूँ सो हूँ, बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए, ठीक है। जिसको अच्छा लग रहा देखो, जिसको नहीं लग रहा मत देखो, बस मेरा काम है बनाना, मैं बनाते रहूँ। यार मुझे गुस्सा नहीं आ रहा गुस्सा। चलिए तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है समय। जी हाँ, एक फिक्स समय तय कर लीजिए कि आपने सोशल मीडिया को इतना देना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा तो छप रील होगी दे पाते हैं, जिनको दिन में 20 से 25 रील बनानी होती है। अगर आप स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग किए जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि 1 घंटा कट गया, 2 घंटा कट गया, क्योंकि वो तो आपको आपकी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा रहा है ना, आप जो देखना चाह रहे हो वही दिखा रहा, तो भाई समय सेट करो, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप एडिक्टिव हो गए, ये भी बीमारी है यार, अल्कोहल एडिक्टिव हो जाते हैं लोग, स्मोकिंग के एडिक्टिव हो जाते हैं लोग, वैसे ही सोशल मीडिया पे भी एडिक्टिव हो जाते हैं लोग, भाई ये भी एक बीमारी है, ये प्रोफेशनल की हेल्प लो, जाओ डिस्कस करो, वो बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे दूर रहना है। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लो यार, कितने तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते हैं, उनमें भाग लो ना यार, वहाँ जाओ कुछ ना कुछ करो। फिजिकल एक्टिविटी तो ज़रूरी है, 40 साल में निकल लेना क्या, 40 साल तो दूर की बात, 25 साल 20 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, वैसे भी इंडिया नंबर 2 पे है हार्ट अटैक पे। ओहो, ज्ञान की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, हार्ट अटैक वाली वीडियो पे 50 व्यूज आए थे, 50 व्यूज। तकलीफ तो होती है बाबा, टपोरी वाले लैंग्वेज नहीं, तकलीफ होती है डूड। तुम्हें ये अच्छा लगता है? अब कौन सा पॉइंट है, नंबर 4 नंबर 5, और मैं भूल चुका हूँ, जो भी है 4 5 आप समझ लेना, बता रहा हूँ। तो आपने पॉजिटिविटी को चुननी है, आप जैसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाओगे वैसे ही आप पॉजिटिव होते रहोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ एक बहुत बड़े व्यक्ति का, अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाता था, मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, जब उठा नींद खुली वीडियो बना लिया, जब आया सिस्टम पे, चलो यार कर लेते हैं, सर्च मार लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ, कुछ रिसर्चेस देख लेता हूँ, बस जब मन आया तब उठा, तब वीडियो बना लिया। जब से मैंने एक शेड्यूल बनाया, सुबह उठना है, थोड़ा योगा करना है, नहा धो के थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेनी है, उसके बाद अपना कंटेंट तैयार करना है, लेकिन उससे एक शेड्यूल बन गया मेरा। पॉजिटिविटी लाना जरूरी है।
आप फॉलो करो ना यार, 1 महीना फॉलो करो, 2 महीना फॉलो करो, 3 महीना फॉलो करो, लेकिन फॉलो करो, फॉलो करना जरूरी है। नहीं करोगे तो ये सोशल मीडिया के दौर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आने वाला दौर ये है, सोशल मीडिया ही आपको बर्बाद करेगा। तो एट द एंड यही ज्ञान है, सुपरमैन को सब्सक्राइब करो। बस 2 या 3% लोग सब्सक्राइब करते हैं, 90% लोग वीडियो देख भी जाते हैं, तो उसमें से 2 या 3% लोग सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करना आपको बहुत बड़ी दिक्कत है, और शेयर करने में उससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपकी मर्ज़ी, आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, वरना यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, वरना डिसलाइक करके चले जाना। मोस्ट डिसलाइक वीडियो ही बना दो कम से कम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय भोले जय बजरंग बली।